मुस्तकिल कारीन की मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा बड़ी तादाद ने खुशगवार हैरत का इजहार किया कि मैंने सितारों की चाल के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया है। मेरी तहकीक की बदौलत वो ये जानकर मजीद खुश हुए कि 800 बरस के तवील तरीन वक्फे के बाद इंसानों का मुकद्दर बिगाड़ने और संवारने वाले दो ताकतवर सैारे जुहल और मरीख 22 दिसंबर 2020 से दिलो नामी बुर्ज में जमा हो गए हैं। इस बुर्ज में इनका इतसाल अंदिया देता है कि खल्के खुदा की बेपनाह अक्सरियत अब तक मुसल्लत रहे रियासती निजाम और ढांचों के बारे में अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए बगावत को मजबूर हो जाएगी। रियासती जबर इन्हें दबाने में नाकाम रहेगा। बिलाखिर नए निजाम और ढांचे मुतारिफ होंगे जो हुक्मरान अशराफिया के मफादात की निगहबानी के बजाय अवामी मुश्किलात के अजाले पर तवज्जो देंगे। अब राज करेगी खल्के खुदा जैसा माहौल बन जाएगा। बिलाखिर 2021 शुरू हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि मैं इसका आगाज होते ही अब क्या होगा जैसा कोई कॉलम लिखता। मैं लेकिन पीडीएम के मुस्तकबिल पर तवज्जो देता रहा। इस मौजू पर तवज्जो ने सितारों की चाल से दिलचस्पी लेने वालों को नाराज किया। वो तकाजा कर रहे हैं कि जोहल और मुश्तरी के बुर्ज दिलों में मिलाप की बाबत मजीद लिखते हुए इन्हें हौसला दिया जाए। ईमानदारी की बात मगर यह है कि मैं हौसला देने की हिम्मत और जुर्रत से महरूम हूं। इखलाकी एतबार से भी ऐसी तहरीर को दो नंबरी शुमार करता हूं जो ऐसे इल्म या हुनर की बुनियाद पर लिखी जाए जिसे मैं जाती तौर पर संजीदगी से नहीं लेता। मुतहर्रिक जिंदगी से फारिग होने के बाद मेरे पास जाया करने को जरूरत से ज्यादा वक्त मैसर था। शुगलन इसे नजूमियों की गुफ्तगू को यूट्यूब के जरिए सुनने में सर्व करना शुरू कर दिया। 800 बरस के तवील वक्फे के बाद बुर्जदलों में मुश्तरी और जुहल के मिलाप के हवाले से इनकी अक्सरियत ने जो मनाजिर दिखाए वो मेरे जी को बहलाने का बायस भी हुए। इसलिए इनका जिक्र इस कॉलम में भी हो गया। वक्ती इत्मीनान के बाद मगर आने वाली थां पर वापस आ गया। कारीन का तकाजा मगर नजरअंदाज नहीं कर सकता। इनके हुक्म के मुताबिक हफ्ते के आखिरी दो दिन मजीद तहकीक में गुजारे। बुनियादी तौर पर यूट्यूब के जरिए सितारों की चाल पर निगाह रखने वाले दो नजूमियों स्टीव जर्ड और अबलास रोलैंड लेगरड ने मुझे बहुत मुतासर किया। इन दोनों ने 2020 शुरू होने से कई माह कबल इंतहाई मंतकी अंदाज में खबरदार किया था कि यह बरस दुनिया भर में बेतहाशा मायूसी और परेशानी फैलाएगा। रोजमर्रा जिंदगी के कई जावियों और अंदाज जिन्हें हम फितरी या टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएंगे। वो जिस तबाही की निशानदेही कर रहे थे बिलाखिर कोरोना की सूरत नमूदार हुई। इसने वाकईतन रोजमर्रा की जिंदगी के बेतहाशा रवैयों को हैरानकुन हद तक बदल दिया है। दोस्तों और प्यारों को मिसाल के तौर पर हम देखते ही अब जफ़ी नहीं डालते, हाथ मिलाने से भी गुरेज करते हैं। दफ्तर जाने के बजाय घरों में महसूर हुए जूम जैसी एप्स के जरिए मीटिंग्स करते हैं। तुलबा इसी सहूलत को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिल्म देखने के लिए सिनेमा घरों में जाने की जरूरत नहीं रही। इस जमन में स्ट्रीमिंग से रजू किया जा रहा है। रेस्टोरानों के अंदर दाखिल होने से खौफ आता है। होम डिलीवरी पर इन्हसार बढ़ रहा है जिसकी वजह से शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी अपनी अफादियत और रौनक खो रहे हैं। मेरे पसंदीदा नजूमियों का मगर इसरार रहा कि 2021 माजी की रौनकों को नई सूरतों में बहाल कर देगा। अवाम का हाकिम शुमार होते बुर्ज दलू में मुश्तरी और जोहल का मिलाप इन सूरतों को बल्कि भरपूर तवानाई भी फराहम करेगा। किस्सा मुख्तसर 2021 को हर सूरत ये साल अच्छा है बताया जा रहा है। इन दो नजूमियों की बात पर ताहम एतबार करें तो मुमकिना मुसर्रत के आगाज से कबल 2020 की फैलाई नहुसत नए बरस के पहले महीने में धमाका खेज तबाही और हिजान फैलाने के बाद ही अपने अंजाम को पहुंचेगी। परेशान कुन तबाही और हिजान को यकीनी बनाने की खातिर याद दिलाया जा रहा है कि 6 जनवरी 2021 की रात से एक और ताकतवर सैयारा मार्स यानी मरीख बुर्ज सौर यानी टॉरस में दाखिल हो जाएगा। यूनानी दास्तानों में मरीख को जंग का देवता कहा जाता है। ये लोगों के दिलों में गुस्से और नफरत को बढ़ाने का सबब भी शुमार होता है। दावा यह भी है कि बुर्ज हमल को यह अपना फितरी घर समझता है। गुज़िश्ता बरस वो इस बुर्ज में 6 माह तक क्याम की बदौलत सुस्त पजीर हो गया था। 6 जनवरी से ताहम वो बुर्ज सौर में दाखिल होकर अंगड़ाई लेते हुए बेदार हो जाएगा और अपनी असल औकात दिखाना शुरू हो जाएगा। बुर्ज सौर में एक और ताकतवर सैयारा यूरेनस पहले ही से मौजूद है। ये सैयारा हमें अपने ख्वाबों की तकमील पर उकसाता है। मरीख लिहाजा सौर में दाखिल होकर हमें मजीद अंगयख देगा। मुसीबत मगर यह आन पड़ी कि सौर में बैठे मरीख और यूरेनस बुर्ज दलू में मौजूद मुश्तरी और जुहल को बुरी नजर से देख रहे हैं। 6 जनवरी 2021 की रात बुर्ज सौर में दाखिल हो जाने के बाद मरीख जब बेदार होकर अपनी ताकत दिखाना शुरू होगा तो बुर्ज दलू में बैठे जुहल को आंखें दिखाएगा। जुहल के बारे में यह दावा है कि वो इंसानों से नज्म व जब्त का तकाजा करता है। वो इन्हें मजबूर करता है कि कवानीन और मुआशरे में कायम रसूमों कयूद का मुकम्मल एहतराम हो। बुर्ज दलू में लेकिन मुश्तरी भी मौजूद है। वो जुहल का बागी बेटा शुमार होता है। नज्म व जब्त का तकाजा करता जुहल इसे बाआसानी काबू में नहीं ला सकता। अवाम का हाकिम शुमार होते दलू में इसकी मौजूदगी बल्कि जुहल को मजीद कमजोर बना देती है। मुश्तरी की बागियाना रविश को गालिबन तकवीयत फराहम करने के लिए बुर्ज दलू में अतारद नामी सैयारा भी दाखिल हो जाएगा। इसे इबलाग का हाकिम तसव्वुर किया जाता है।
इस वस्त को निगाह में रखते हुए बावर किया जा रहा है कि बुजदलू में दाखिल होने के बाद अतारद रिवायती और सोशल मीडिया को सच्ची या झूठी खबरों के सैलाब के जरिए जोहल को मजीद ललकारने पर उकसाएगा। 6 जनवरी 2021 से लिहाजा अवाम और हुक्मरानों के माबैन शदीद बदगुमानियां नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। शक शुबे के इस मौसम में नफरतों को भड़काने और शोर में दाखिल होकर बेदार होने वाला मरीख बदगुमानियों की बुनियाद पर उठे हिजान को दो आतिशा बना देगा। 20 जनवरी 2021 में मरीख बुर्ज सोर ही में पहले से मौजूद यूरेनस के बहुत करीब आ जाएगा। इस मिलाप की बदौलत कोई अनहोनी रूनमा होगी जिसका असर आइंदा 20 बरसों तक जारी रहेगा। अमेरिका में 9/11 हुआ तो इन दोनों सितारों की तकरीबन वैसी ही सूरत हाल थी। 1980 की दहाई में सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में फौजी मुदाखलत ऐसे ही जायचे की वजह से नमूदार हुई बताई जा रही है। नजूमियों की अक्सरियत असरार कर रही है कि 20 जनवरी 2021 के रोज या इससे चंद दिन कबल या बाद 9/11 या अफगानिस्तान में रूसी अफवाज के दर आने जैसा कोई गैर मामूली वाकया होगा जो तमाम आलम को हिला कर रख देगा। 6 जनवरी 2021 से 20 जनवरी तक के अयाम लिहाजा निहायत कड़े बताए जा रहे हैं। किसी भी बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए इसके असरात से बचना नामुमकिन बताया जा रहा है। नजूमियों का मशवरा फकत इतना है कि 6 और 20 जनवरी 2021 के दरमियानी अयाम में निहायत मोहतात रहा जाए। जो खबर आपके इल्म में आए इसके बारे में फौरी रद्द अमल देने से गुरेज करें। इंतहाई नीवे नीवे रहते हुए जनवरी 2021 के इख्तिताम का इंतजार करें। अच्छी खबरें और वाकयात आइंदा महीने के वस्त से नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। 4 मार्च 2021 के बाद से ताहम सत्ते खैरा का मौसम शुरू हो जाएगा। इल्म नजूम की बाबत कामिल अताई होते हुए मेरी तहकीक ने जो दरियाफ्त किया इसे हू बहू आप तक पहुंचाने के बाद सोच रहा हूं कि रिज्क की मोहताजी की बुनियाद पर रोजाना कॉलम लिखने को मजबूर सहाफी होते हुए मैं 6 से 20 जनवरी 2021 के दरमियान अयाम कैसे गुजारूं। हफ्ते में 5 दिन ये कॉलम लिखना होता है, इसे लिखते हुए ख्वामो खा के पंगों से कैसे गुरेज करूं।